हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वी फिल्मी पर। फ्रेंड्स, आज मैं एक बार फिर से आप सबके लिए लेकर आई हूं साउथ की टॉप 5 सस्पेंस थ्रिलर मिस्ट्री वाली मूवीज, जिनकी स्टोरी लाइन काफी बेहतरीन है और कॉन्सेप्ट भी यूनिक है। और सबसे अच्छी बात, ये सारी मूवीज आप सबको हिंदी डब में यूट्यूब पर ही देखने को मिल जाएंगी। तो ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, काउंटडाउन नंबर 5 पर आती है साल 2022 में रिलीज हुई एक सस्पेंस मिस्ट्री हॉरर थ्रिलर मूवी कस्तूरी महल। ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है, जिसे हिंदी में भी सेम नाम से ही डब किया गया है। इस मूवी को IMDb की तरफ से 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली हैं और 68% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। इस मूवी की लीड रोल में हमें काशिमा रफी, शानवी श्रीवास्तव, सकंत अशोक और श्रुति प्रकाश जैसे और भी कई सारे टैलेंटेड एक्टर्स देखने को मिलते हैं। अब बात करें मूवी की कहानी की, तो कहानी एक प्राचीन मिस्टीरियस बुक के इर्द गिर्द घूमती है। मेघा नाम की एक लड़की आर्कियोलॉजिस्ट है और एंटीक चीजों को तलाशना और कलेक्ट करना उसका एम होता है। वो एक दिन एक पुराने घर में से एक एंटीक बुक को चुरा लेती है, जिसमें कई सारी पुरानी कहानियां और अजीब सी जगहों के बारे में बताया गया होता है। ये सब उसको काफी एक्साइट करता है और वो इन सब के बारे में और जानना चाहती है। फिर वो अपने कुछ दोस्तों के साथ उन जगहों में जाने का प्लान बनाती है। वो इन सब सिचुएशंस में बुरी तरह फंसती चली जाती है। अब मेघा के साथ और क्या क्या बीतता है और वो कैसे इन सब चुनौतियों का सामना करती है, जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। ये मूवी आपको YouTube पर ही देखने को मिल जाएगी। काउंटडाउन नंबर 4 पर आती है साल 2014 में रिलीज हुई मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस मूवी ग्लैमर। ये एक बंगाली फिल्म है, जिसे हिंदी में भी सेम नाम से ही डब किया गया है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.6 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी में हमें सब्यसाची चक्रवर्ती, प्रोनो मित्रा और रूही सिंह जैसे कई बेहतरीन कलाकार देखने को मिलते हैं। अब बात करें मूवी की स्टोरी लाइन की, तो मूवी शुरू होती है रेप और मर्डर केस से, जहां आर्यन एक लड़की के रेप और मर्डर केस में बुरी तरह फंस जाता है और उसे कल्प्रिट मानकर सजा सुना दी जाती है। मगर आर्यन अपने आप को बेगुनाह बताता है और उसकी बात कोई नहीं सुनता। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसके लॉ स्कूल का प्रोफेसर और एक बहुत ही काबिल वकील उसकी मदद के लिए आगे आता है। वकील आर्यन पर लगे सभी इल्जामों को साजिश की शक्ल देने की कोशिश करता है। अब कहानी में क्या क्या मिस्ट्री और सस्पेंस आता है, जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। कहानी काफी अच्छी है, जिसमें आपको एंड में एक यूनिक सा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। ये मूवी आप YouTube पर एक बार एंजॉय कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, काउंटडाउन नंबर 3 पर आती है साल 2022 में रिलीज हुई एक और बहुत ही बेहतरीन साइकोलॉजिकल मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस वेब सीरीज रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस। ये एक हिंदी लैंग्वेज में ही रिलीज हुई वेब सीरीज है। इस सीरीज को IMDb की तरफ से 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली हैं और 66% गूगल यूजर्स ने इस सीरीज को लाइक किया है। इस सीरीज की कास्ट में हमें नजर आते हैं अजय देवगन, अतुल कुलकर्णी, ईशा देओल और राशि खन्ना जैसे और भी कई सारे बेहतरीन कलाकार। अगर सीरीज के बेसिक प्लॉट के बारे में बात करें, तो कहानी में दिखाया गया है एक लड़की अपने माता पिता की हत्या की खबर पुलिस को देती है। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक सस्पेंडेड ऑफिसर रीज्वाइन करने के बाद केस इन्वेस्टिगेट करता है और उस लड़की को ही प्राइम सस्पेक्ट बताता है। दूसरी तरफ शहर में एक और मर्डर हो जाता है, जिसका इन्वेस्टिगेशन ACP रुद्र करता है। फिर एक के बाद एक मर्डर होते हैं और ज्यादातर मरने वाले पुलिस वाले ही होते हैं। तो अब जानना ये है कि ये सब मर्डर्स कौन कर रहा है और क्या वो लड़की अपने माता पिता का मर्डर करती है या नहीं। रुद्र इन सब केसेस को कैसे सॉल्व करता है, जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। ये सीरीज आपको YouTube और Disney Hotstar दोनों पर ही देखने को मिल जाएगी। फ्रेंड्स, ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल वी फिल्मी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। और अब फ्रेंड्स, काउंटडाउन नंबर 2 पर आती है साल 2021 में रिलीज हुई एक और काफी अच्छी मस्ट वॉच मूवी थिमारुसु। ये एक मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस इन्वेस्टिगेटिंग मूवी है, जो कि तेलुगु लैंग्वेज में है। इस मूवी को हिंदी में भी सेम नाम से ही डब किया गया है। इस मूवी को IMDb की तरफ से 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली हैं और 62% गूगल यूजर्स द्वारा इस फिल्म को लाइक किया गया है। इस मूवी की लीड रोल में हमें नजर आते हैं प्रियंका जवलकर, सत्यदेव, अंकित और माया जैसे और भी कई सारे बेहतरीन एक्टर्स। बात करें मूवी की स्टोरी लाइन की, तो मूवी की शुरुआत में ही दिखाया गया है कि एक कैब ड्राइवर की डेड बॉडी एक पब में काम करने वाले आदमी अरविंद को मिलती है।
फिर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मर्डर की इन्वेस्टिगेशन में इन्फॉर्म करने वाला आदमी बुरी तरह उसमें फंस जाता है और उसे जेल भी हो जाती है। आगे चलकर कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है जब एक वकील 8 साल बाद उस आदमी को पैरोल पर बाहर निकालता है और केस को रीओपन करता है। अब ये जानना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि 8 साल पहले वो मर्डर किसने किया था और वकील इस केस को कैसे सॉल्व करता है। ये मूवी भी आपको हिंदी डब में YouTube पर ही देखने को मिल जाएगी। फाइनली नंबर 1 पर आती है साल 2020 में रिलीज हुई मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर मूवी थकोल पसुथू। ये एक मलयालम लैंग्वेज की फिल्म है जिसे हिंदी में रॉबरी एक डकैत नाम से डब किया गया है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.4 आउट ऑफ 10 है और 76% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। इस मूवी में हमें बोस वेंकट, संतोष, हरीश पिगन और कनन सागर जैसे और भी कई सारे एक्टर्स देखने को मिलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक मर्डर से जहां पर गांव में एक आदमी का मर्डर हो जाता है और सुबह जब SI पुलिस ऑफिसर गिरीश जॉगिंग करते हुए पहुंचते हैं तब शुरू होती है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के दौरान SI गिरीश को पता चलता है कि रात को विक्टिम के घर चोरी के मकसद से कुछ लोग आए थे और उन्होंने ही मर्डर को अंजाम दिया है। गांव के एक लड़के गोकुल का भी नाम सामने आता है, तो क्या गोकुल ही है मर्डर के पीछे या फिर कोई और? कैसे SI इस मर्डर की गुत्थी को सुलझाता है, जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। फ्रेंड्स, मूवी काफी अच्छी है जिसे आप एक बार एंजॉय कर सकते हैं। ये मूवी आपको हिंदी डब में YouTube पर ही देखने को मिल जाएगी। ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। बाय फ्रेंड्स।